नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट्स आई है, जिसने उन्होंने अपना 64th मेंस रिजल्ट आउट हो चुका है और साथ में हम इसकी इंटरव्यू की अपडेट देखेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो को तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके और इसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए लेटेस्ट अपडेट्स आई हुई है। तो और जो मेरे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, आपको रिजल्ट चेक करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है जी, bpsc.bis.nic.in। ठीक है जी, जैसे आप गूगल क्रोम में इसको टाइप करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आई हुई है। ये आप देख सकते हो, ये आपको रात को आया था, 16 जुलाई 2020 को आपका रिजल्ट आया हुआ है। 64th कमीशन मेंस रिटर्न कंपटीशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, आपके PDF फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर लीजिएगा, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं आप। तो ये आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना की तरफ से है। 64वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आपका रिजल्ट आ चुका है और ये आपका प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, आपकी हुई थी ये 12, 13, 14 और 16 जुलाई 2019 को हुई थी। ठीक है जी, यानी कि आपको अब एक साल हो चुके हैं इसको, तो अब ये देख सकते हैं आपके पटना में आपकी ये आयोजित की गई थी परीक्षा। तो इस परीक्षा में टोटल 3799 उम्मीदवार सफल हो पाए हैं। ठीक है जी, तो जिन कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट में नाम आया हुआ है, रोल नंबर आए हुए हैं, उन्हें अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं भाई, मेरा रोल नंबर इसमें है या नहीं है। ठीक है जी, टोटल आप ये देख सकते हो, टोटल 8 पेज की ये PDF फाइल आई हुई है। ठीक है जी, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, उन्होंने अपना मेंस का रिजल्ट आउट कर दिया है, अब कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हो, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी तो इसमें विभिन्न विभिन्न विभागों में कितनी कितनी पोस्टें थी, कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल दे रखी है। अगर आपको वो याद नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जिसमें इसमें जो सफल उम्मीदवार होंगे, जो इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाएंगे, उनके बाद में उन्हें वे विभाग दिए जाएंगे, तो उसमें जो मेरिट बेस पे होगी उन्हें अपने चॉइस के हिसाब से इसमें विभाग आवंटित कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें दिए हुए सफल उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए सूचना बाद में दी जाएगी। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हो, इसमें टोटल 3799 उम्मीदवार सफल हुए थे और इसमें देख सकते हो कैटेगरी वाइज सारी डिटेल दी हुई है, अभी कितनी कितनी कौन सी कैटेगरी में उम्मीदवार सफल हुए। ठीक है जी, उसके बाद में आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जिनमें कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू है, ठीक है जी, उन्हें अपने मूल दस्तावेज़ को तैयार कर लें, अगर जिसके पास नहीं है वो अपना तैयार कर लें और ये आपको समय पे दिखाने होंगे। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हो COVID-19 के रिगार्डिंग इतने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक साथ लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू कनेक्ट करवाएं। ठीक है जी, तो आप अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से अपना 100% दीजिएगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जो भी आपसे पूछे उसमें आपको सही से बताना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, जिससे कि आपको और इंटरव्यू में जाने से समय आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी एक मूल फोटोकॉपी और आपका एडमिट कार्ड जो भी आएगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वो आपको साथ में लेके जाना होगा। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।